हमीरपुर विधानसभा में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक बार फिर से जो पहले भी विधानसभा से उम्मीदवार रहे थे डॉक्टर पिशुंदर वर्मा उन पर विश्वास जताया उन्होंने टिकट दिया है। डॉक्टर साहब टिकट मिलने के तुरंत बाद आप फील्ड में डट चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए फील्ड में तो हम डटे हुए थे, हमने ये तो नहीं सोचा था कभी भी कि 14 महीनों के बाद ही हमीरपुर की जनता पे जो है उपचुनाव का बोझ जो है वो लाद दिया जाएगा, लेकिन बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको आप लोकतंत्र की हत्या कह सकते हैं कि निर्दलीय व्यक्ति जो जीता था यहाँ से उसने हमीरपुर की जनता के साथ धोखा किया और 14 महीनों के बाद ही आज इस्तीफा दे के ये हमीरपुर की जनता के ऊपर उपचुनाव जो है वो थोपा गया है और थोपा गया है साथ में थोपा तब गया साथ में धोखा भी दिया गया है और वो भी किसको दिया गया, हमीरपुर की ही जनता को दिया गया है क्योंकि हमीरपुर के ही लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी की पीठ में इन्होंने छुरा घोंपने का काम किया है, उनकी कुर्सी को हिलाने का काम किया था, ऑपरेशन लोटस जैसे जिन का नाम ऐसे स्कैम्स का नाम सुन के ही घिन आती है वैसे ऑपरेशन लोटस जैसे जो राजनीति में जो कभी नहीं हुआ था हिमाचल की राजनीति में वो ऐसे स्कैम जो वो यहाँ पे लेके आए, लेकिन वीर योद्धा ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने उस ऑपरेशन लोटस को नाकाम किया और अब हमीरपुर की जो जनता है और जो वीरभूमि की जो जनता है इनके इस मिशन को भी नाकाम करेगी और धनबल हारेगा और जनबल जीतेगा। डॉक्टर साहब क्या रोड मैप लेके चले हैं हमीरपुर विधानसभा के लिए आप? देखिए हमीरपुर विधानसभा का तो बिन मांगे सब कुछ मिल रहा है, कोई ये कहे कि हमीरपुर में विकास नहीं हो रहा तो मेरे को लगता है कि उसकी या तो उसको दिखाई नहीं दे रहा है या वो अंधभक्त है, क्योंकि आपने देखा 55 करोड़ रुपए का बस अड्डा, उसका बिल्कुल आधुनिक बस अड्डा जो है उसका निर्माण होने जा रहा है और उसका काम लगा हुआ है, उसके अलावा हमारे जो शहर का शहर है उसका सौंदर्यकरण किया जा रहा है और मेरा भी विजन यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है ग्रीन हिमाचल का और हम भी अपने हमीरपुर को ग्रीन हमीरपुर बनाएंगे। हमारी कोशिश है कि जो हम ये छोटी छोटी सोलर लाइटें ये जो लोग अपने लोगों को ललचाने के लिए वोट के लिए जो है अपनी विधायक निधि से दे रहे हैं हम ये चीज़ें बंद करवाएं, ये भी लालच है, हम उनको नए ग्रीन हमीरपुर की तरफ लेके जाएं, हम वहाँ पे हर पंचायत में सोलर पावर प्लांट लगा के पूरी पंचायत को एक शहर की तरह स्ट्रीट लाइटों से जगमगाएं ताकि जो हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का वो ग्रीन हिमाचल का सपना हम यहाँ से शुरू करना चाहते हैं। दूसरा हमारी बड़ी सारी पंचायतें हैं जो मसियाना और इससे नीचे हैं 10-11 ये पंचायतें हैं, इसमें कोई भी ना कोई इंडस्ट्री है ना कोई प्रोजेक्ट है, तो हम चाहते हैं कि हम वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट लाएं ताकि वहाँ बड़ा सारा जो है रॉ मटेरियल पड़ा है जैसे चीड़ की पत्तियाँ पड़ी हैं, कोई कार्टन की फैक्ट्री हमारे जो बेरोजगार भाई हैं वो लगाएं ताकि वो गांव के लोगों को भी रोज़गार दें और साथ में सबसे बड़ी बात जो ये है कि जो क्लाइमेट है उसमें भी इसका इस तरह के प्रोजेक्ट का जो योगदान रहेगा, क्योंकि क्लाइमेट आपने देखा किस तरह की हीट वेव जो है हमीरपुर में पिछले 15-20 दिनों से चल रही है, आपको क्या लगता है उसमें एक कारण? मुझे तो ये लगता है ये जो जंगल धू धू करके जल रहे हैं और सारे जंगल जल रहे हैं पूरे जिला के जंगल जल रहे हैं तो उसमें ये कारण ये भी है और तो हम तो ये कह रहे हैं कि अगर रॉ मटेरियल हमारे पास है तो ऐसी इंडस्ट्रीज लाई जाएंगी और वो ग्रीन हिमाचल की तरफ कदम होगा, क्लाइमेट में एक बेहतर परिवर्तन की तरफ एक कदम होगा। और हमारा दूसरा सबसे बड़ा जो विजन है वो विजन ये है कि हमीरपुर सिटी को स्मार्ट सिटी हम बनाएंगे और सारी पंचायतों जो हैं उनको हम मुख्यमंत्री जो हमारे खेल मैदान है उस योजना से जोड़ के हम प्रत्येक पंचायत में हम चाहते हैं कि एक अच्छा प्लेग्राउंड ओपन जिम के साथ वहाँ उपलब्ध हो ताकि हमारे लोगों को जो है अपनी फिटनेस के लिए बड़े पैसे ना खर्चने पड़े, क्योंकि अगर रोज़गार नहीं है पैसे नहीं है तो लोग जिम भी नहीं जा सकते, जिम जाने में भी पैसे लगते हैं, तो ये एक योजना है। और सबसे बड़ा जो हम अपनी मातृशक्ति के लिए करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं कि ये जो नेताओं ने एक ट्रेंड बना रखा है महिला मंडलों को लोभ लालच दे के वोट लेने का, उसको हम ख़त्म करें, महिला मंडलों को हम जागरूक करें और उनको स्वरोजगार की तरफ हम लेके जाएंगे, महिला मंडलों में हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ रोज़गार के साधन रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, कोई उद्योग लगाएंगे ताकि वो वहाँ की महिला मंडल उस उद्योग को चलाएं और साथ में अपनी भी वो आर्थिकी को सुधारें और साथ में वहाँ के जो लोकल जो गांव के बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार दिलाएं। डॉक्टर साहब जो भाजपा प्रत्याशी उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो उपचुनाव हो रहा है उसके लिए दोषी मुख्यमंत्री है क्योंकि उनकी प्रताड़ना की वजह से ही उपचुनाव दोबारा से हो रहा है, उनके प्रताड़ना की वजह से उपचुनाव हो रहा है। देखिए ये राजनीति है,
राजनीति में विधायक पक्ष का भी होता है और विधायक विपक्ष का भी होता है, तो इसका मतलब तो जितने भी जो विपक्ष में विधायक बैठे हैं उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सब फिजूल की बातें हैं, ये व्यापारिक मानसिकता के लोग हैं, इनको सिर्फ व्यापार सूझता है। मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री जी ने जो शुरू के 7-8 महीने हैं थे इनको तरजीह दी, इनके कार्य करें, लेकिन आप कार्य अगर जनता से जुड़े हुए कार्य नहीं करवाएंगे तो आपको कोई नहीं मानेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी एक ईमानदार स्वच्छ छवि के नेता हैं, 40 वर्षों से लगातार राजनीति कर रहे हैं और उनको इस तरह के भ्रष्टाचारी लोग बिल्कुल पसंद नहीं। डॉक्टर साहब कितने आश्वस्त हैं जीत के प्रति? देखिए जीत तो निश्चित है, हम तो ये देख रहे हैं कि अब हम इस मार्जिन को बढ़ाएं, क्योंकि हमीरपुर की जनता ने तय कर दिया है कि ऐसे जो धनबल और व्यापारिक मानसिकता वाले नेता हैं इनको निकालना है, क्योंकि अगर ये इनको नहीं निकाला गया समय रहते तो ये सारे जितने भी हमारा हिमाचल प्रदेश के जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनको भी ये खाली कर देंगे और हमारे बच्चों को भी ये नशे की लत लगाएंगे और उनको भी उनके भविष्य को भी खराब कर देंगे। तो जीत के लिए हम पूर्ण आश्वस्त हैं। बातचीत के धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हमीरपुर विधानसभा से उपचुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, जिनका कहना है कि वह जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं और उन्हें पूरा यकीन है कि हमीरपुर की जनता इस बार उन्हें भरपूर आशीर्वाद देगी। न्यूज़ 18 के लिए अपने सहयोगी अश्विनी के साथ जसवीर कुमार।